लखनऊ में स्कूली बच्चों और आम लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव ने स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों और परिजनों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्कूल के बच्चों को संबोधित किया, उन्हें यातायात के नियम के बारे में बताने के साथ ही उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया। इस पर हमारे संवाददाता ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से खास बातचीत की। स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज परिवहन मंत्री ने खुद रोड पर आकर जो है लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयरनेस किया है, उनको जागरूक किया है। मेरे साथ खुद इस समय स्वतंत्र देव सिंह मंत्री जी हैं। मंत्री जी, आज आप आए हैं रोडों पे, आपने जो लोगों को जागरूक किया, क्या कुछ मैसेज आपका क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटना और मृत्यु दर बढ़ रहा है, इसलिए ये सड़क सुरक्षा एक जन आंदोलन लेना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, लोगों को हेलमेट जो यातायात का नियम है यानी हेलमेट लगा कर चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगा कर चलना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग की चिंता करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए, रोड क्रॉस करते समय दोनों तरफ देख लेना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन इस राज्य के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण है, उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जागरूकता अभियान प्रत्येक बुधवार को सप्ताह में महीने में मतलब ये एक अभियान चलता है सड़क सुरक्षा का, जिसके कारण समाज स्वप्रेरणा से, कोई प्रेशर नहीं, अपने आप घर से निकलते ही गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट, गाड़ी में बैठते ही हेलमेट, यानी उसके जीवन की सुरक्षा, क्योंकि माँ उसकी इंतज़ार कर रही है, पुत्र उसका इंतज़ार कर रहा, इसलिए इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और एक तरह का मैं बिल्कुल ध्यान में अनुशासित भी रहना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जी, आज स्कूलों के बाहर आपने जो है ये अभियान चलाया है, बच्चों को भी आप बताएं, तो क्या लगता है बच्चे जब मैसेज पहुँचाएंगे तो ज़्यादा कुछ इफेक्टफुल रहेगा? देखिए, बच्चे घर में जब मैसेज और पिता से आग्रह करेंगे, नहीं नहीं पिताजी आप सीट बेल्ट वो लगाइए तभी मैं गाड़ी में बैठूंगा और हेलमेट लगाइए तभी गाड़ी में बैठूंगा, क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए सुरक्षित है, इसलिए बच्चों ये स्कूल को चयन किया गया और अभियान में चलाया जाएगा, ये जन जागरण, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, यानी आपको टोका जा रहा है, टोकना कोई बुरी बात नहीं है, यानी सीट बेल्ट हेलमेट लगाना आपके लिए जीवन की सुरक्षा के लिए, आने वाला अन्य राज्य जो है अन्य देश हैं दुर्घटना होती लेकिन मृत्यु दर कम होता है, यहाँ दुर्घटना भी होती है और मृत्यु दर भी बढ़ता है, इसलिए कि वो सुरक्षित नहीं चलते हैं। मंत्री जी, अक्सर देखा जाता है स्कूल की जो वैनें हैं उसमें मानकों की अनदेखी की जाती है, बच्चों को संख्या से ज़्यादा लाया जाता है, या फिर CNG है तो उसमें लिखा नहीं होता, इस तरीके के जो मानक हैं उनकी अनदेखी की जाती है। देखिए, ये सभी का जन जागरण हम सबको करना है और कार्रवाई भी करना है, कड़ाई से भी पालन करवाना है, दोनों काम करना है, मतलब आग्रह भी करना है, जन जागरण में समाज जब आंदोलित होगा तो अपने आप समस्या का समाधान हो गया, यानी संपूर्ण समाज को साथ लेना, कोई सरकार नहीं कर सकती इसके लिए, यानी संपूर्ण समाज को स्वयं स्वीकार करना होगा, जन आंदोलन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए, समय प्रबंधन अंदर कर लेते हैं। बताया कि जो है पूरे तरीके से जन जागरण रैली है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, बच्चे जब जागरूक करेंगे तो लोग ज्यादा जागरूक होंगे, इसलिए उन्होंने जो आज स्कूल के बाहर ही अभियान चलाने का जो फैसला किया। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रियम पाठक, नेशनल वॉइस।